भागें क्योंकि आज ग्लोबल रनिंग डे है, भागें जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और ऐसे एक इवेंट का इनेकाद हो रहा है इस्लामाबाद में F9 पार्क में, क्या डिटेल्स हैं उसकी और ये रनिंग एंड वॉक कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी आपकी जिंदगी में, इस पर आज हम बात करेंगे। पार्क IRC रन तकरीबन 2 साल से लोग इवेंट्स करवा रहे हैं और ये 15वां इवेंट है जो इनका होने वाला है 9 जून को, तो उसकी डिटेल्स पर आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद रनिंग क्लब के जो को फाउंडर्स हैं बिलाल एहसान और अफान बेग आज साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको। बिलाल, आपसे स्टार्ट करते हैं, 15 वॉक एंड रेस जिसका आप इनेकाद कराने जा रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं इसकी? देखिए, IRC का सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट रनिंग क्लब। द पर्पस ये है कि रनिंग को प्रमोट करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें। और जब हमने क्लब स्टार्ट किया उसका मकसद ये था कि रनिंग को प्रमोट करना, एक स्ट्रक्चर्ड रनिंग को प्रमोट करना। बट एट द सेम टाइम हमने कहा ऐसे इवेंट्स भी कराएं जिसमें फैमिलीज आएँ, जिसमें बच्चे आएँ। तो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है पार्क रन का, वहाँ पर हर सैटरडे को लोग जाते हैं और रन करते हैं 5 किलोमीटर और वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान में हमने ये महसूस किया कि 5 किलोमीटर से ना से लोगों में इतनी जल्दी रनिंग की अवेयरनेस अभी है नहीं, तो हमने इसको 5 किलोमीटर एंड प्लस 2 किलोमीटर इसमें ऐड कर लिया है। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट जिसमें मकसद ये कि फैमिलीज आएँ, लोग आएँ, 5 किलोमीटर वॉक करें, रन करें, दोनों कर सकते हैं। और ना सिर्फ कि ये, क्योंकि 5 किलोमीटर के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, दो भी बहुत ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली इसीलिए हम प्रमोट करते हैं कि आप इस चीज़ की फिक्र ना करें, एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट हो। और इसी सिलसिले में हमने जब क्लब स्टार्ट किया वही जब से हमने मुख्तलिफ इवेंट्स करवाएँ और उसमें से एक इवेंट हमारा ये पार्क रन का कॉन्सेप्ट होता है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम कुछ चार्ज नहीं करते हैं। और जिसमें हम यही प्रेफर करते हैं कि पूरी फैमिलीज आएँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप पिक्चर्स देखें तो हमारे साथ फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, वालदैन आते हैं अपने बच्चों को प्रॉम में लेके। एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है आपको मिल रहा होता है। तो 9 जून को है ये F9 पार्क में, संडे का दिन है और शाम को 6 बजे, राइट? बिल्कुल, 5:30 आए आप, रजिस्ट्रेशन इसी कर सकते हैं, हमारा इस्लामाबाद रनिंग क्लब का इंस्टाग्राम पे पेज है, उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी है। तो उसके लिए आप 5:30 तक आ जाएं अगर ऑन द स्पॉट करनी है, और वहीं पर रजिस्ट्रेशन करके आप 6 बजे हमारे बच्चों के लिहाज से भी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रॉम में लेकर जाएं बच्चे वॉक, बिल्कुल एग्जैक्टली। बल्कि इसमें हमने रखा हुआ है हमारे जो वॉलंटियर जो हमारे या प्रोफेशनल रनर जो हैं उनको हम रखते हैं कि स्पेशली बच्चों और फीमेल के साथ, तो वो उनको खुद मोटिवेट करके साथ लेके जाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जितना डिस्टेंस उन्होंने रखा हुआ है वो पूरा करें। मैंने सर ये चीज बहुत अच्छी है कि अक्सर लोग वो 5 किलोमीटर की जो आपने बात की, इनफैक्ट 2 किलोमीटर की जो आपने बात की, लोगों को बहुत ज्यादा लगता है और लोग साइन अप ही नहीं कर रहे होते। देखिए इसीलिए इसको हम कहते हैं इट्स नॉट अ रेस। रेस का जब कॉन्सेप्ट आता है तो लोगों में ये ख्याल आता है कि हमने एक टाइम में करना है, हमने पूरा डिस्टेंस करना है। हम कहते हैं आप साथ स्टार्ट करें जितनी आपकी कैपेसिटी है, अगर आपको लगता है कि 3 किलोमीटर बाद आपसे नहीं हो पाता है तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई आपको जज नहीं करेगा। हाँ। कि जी आपने अपने आप की एक मैं समझता हूँ कि वो चेक करना है कि आप कितना कर सके हैं। देखिए इसमें 2 एस्पेक्ट हैं जैसे हमने बात की, एक तो वो एस्पेक्ट है जिसमें एक अच्छा रनर है वो आएगा, वो कोशिश करेगा कि अच्छा मैं 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कितने टाइम में करता हूँ, मेरी फिटनेस के लेवल क्या है। एक वो है जो फैमिली कहती है हम आएँ, या जो लोग कहते हैं हम अपने कजन्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, वालदैन के साथ आएँ 2 किलोमीटर करें ताकि एक कम्युनिटी का पार्ट हो और एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट हो। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। सही। सो इसीलिए हमारे जो अफान ने बात की, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो जो हमारे अच्छे प्रोफेशनल रनर्स हैं उनको हम ये कहते हैं कि आपने हेल्प आउट करनी है। ओके। साथ वो मोटिवेट करते हैं, उनके साथ भागते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई बंदा कहीं पे टायर्ड हो रहा है, कहीं तो बकअप करेंगे, बकअप करते हैं। इवन फिर वाटर का इंतजाम भी है, हर किलोमीटर पे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं। तो आई थिंक जब साथ एक प्रोफेशनल रनर भाग रहा हो, अगर आप सिर्फ आप उसको उसके स्टेप्स फॉलो करना शुरू करें तो नेचुरली आप ज़रा अच्छी रनिंग करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये होता है कि हम भी जब अपने रनिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यही होता है कि हम कोशिश करते हैं अच्छे रनर उनके साथ भागें। जब भागते हैं तो आप उनकी पेस पे आते हैं और आपकी रनिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें मेनली सर बिलाल ने बताया है कि हम चाहते हैं कि बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब इन सबको आए, और ये जवान है सबसे ज्यादा घर बैठे होते हैं, बिल्कुल, और वो आए और सब रनिंग मिलके कर रहे हैं। इसमें हमारे पास फॉरनर्स भी आते हैं काफी बड़ी तादाद में, फैमिलीज भी होती हैं, तो बड़ा अच्छा एक फैमिली इवेंट होता है और सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं। इतने सारे इवेंट्स आप लोग इतने टाइम से इसका इनेकाद आप लोग कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं लोग, ज्यादा आना रुझान ज्यादा होता आपको दिखाई दे रहा है या फिर कम लोग आ रहे होते हैं या हर बार डिपेंड करता है? नहीं, देखिए माशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं इस्लामाबाद एंड ओवर द पाकिस्तान रनिंग का स्कोप बड़ा है। ओके। और उसकी मल्टीपल वजूहत ये हैं कि मुख्तलिफ शहरों में, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में इवेंट्स होना शुरू हो गए हैं।
मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गए हैं, मुख्तलिफ क्लब्स हैं जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो रनिंग का रुझान बढ़ रहा है। और पार्क रन जो हम करते हैं IRC पार्क रन, उसका उसकी वजह ही यही है कि हम लोगों को एक छोटे स्टेप से स्टार्ट कराएं। किसी को अगर आप कह दें कि आके आप 10 किलोमीटर भागें, मैराथन भागें, तो वो घबरा जाता है। ज़ाहिर है, एग्जैक्टली प्रैक्टिस भी नहीं है, एक माइंडसेट भी है। अगर आप किसी से कहें मैं 10 किलोमीटर 21 या 42.2 किलोमीटर मैराथन भागता हूँ, तो वो कहेगा यार आप क्या कर रहे हो, मतलब इट्स ह्यूमन माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो आप तो एक हैबिट डेवलप करवाना चाह रहे हैं। जी वही हम कहते हैं, छोटे से स्टेप से हम एक बड़े स्टेप की तरफ लेके जा रहे हैं। जब जो बंदा 2 किलोमीटर करेगा एक दो बार, उसकी नेक्स्ट स्टेप बार कोशिश होगी कि मैं 5 किलोमीटर करूँ। फिर इंसान के गोल्स होते हैं कि मैं 5 किलोमीटर मैंने अचीव कर लिया, चले अब मैं 10 पे जाऊं, फिर हाफ पे जाऊं, और फिर मैं या मे बी 5 अगर किया है तो पहले जितने ड्यूरेशन में किया था आप उसे शायद इंप्रूव करते हैं, अपने आप को और आप बेहतर करते हैं ताकि आप अच्छा रख सकें। शुएब संडे भी है तो मैं एक्सपेक्ट करी हूँ कि आप जाएंगे, वहाँ से अच्छी सी कवरेज करके आप हमें भेजेंगे। मैं वैसे भी संडे को संडे का अदरवाइज भी वो टाइम F9 पार्क का होता है, तो संडे इज फाइन, अच्छे फैमिली को साथ लेकर जाएंगे। क्या एक्सपेक्ट करें, कितने लोग आएंगे? हमारे जो लास्ट मंथ अभी हमने किया था उसमें 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स थे, तो हम होपफुल हैं कि इस दफ़ा 200 प्लस क्रॉस करेंगे। ओके okay. और वही वाली बात है कि पार्टिसिपेंट्स कम हों ज़्यादा हों, लेकिन जो प्रमोट अगर उसमें से हम 5% या 10% लोगों को भी टारगेट कर जाते हैं और वो हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ या किसी क्लब के साथ भी, तो वो हमारे लिए एक विनिंग हम उसमें से आ जाते हैं करने। जैसे आप दुनिया का देखें कॉन्सेप्ट ये है कि आप कहीं भी दुनिया पे जाएं वहाँ लोग रनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक वहाँ पर उन लोगों का डेली लाइफ स्टाइल, एक कल्चर उनका, वो दिन का एक हिस्सा उन्होंने रखा हुआ एक्सरसाइज के लिए अपने लिए। लेकिन हमारे यहाँ जरा सा मामला डिफरेंट है, हमारे यहाँ मी ओनली टाइम का मतलब बस बेड पे लेट जाओ या सोफे पे काउच पे लेट जाओ एंड फोन यूज करो। या दैट्स ट्रू। अच्छा लास्टली मुझे ये भी जानना है आपसे कि ये जो 2 किलोमीटर और 5 किलोमीटर एक ही वक्त में स्टार्ट होगी 6 बजे? जी जी, एक ही टाइम पर स्टार्ट होगा। फिर हमारे वॉलंटियर्स खड़े होंगे जो 2 किलोमीटर करेंगे, वो एक सर्टन मार्क के बाद वॉलंटियर्स उनको बताएंगे। पहले हम गाइड करते हैं पर ठीक है कि रूट क्या है, कहाँ पे वॉलंटियर्स खड़े होंगे, और माशाल्लाह हमारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको खुद भी आइडिया हो गया कि एग्जैक्टली कहाँ से मुड़ना है। ओके सो हमारे वॉलंटियर्स खड़े होते हैं जिन्होंने 1 किलोमीटर मार्क के लिए हमने मार्क्स लगाए हैं 1, 2, 3, 4, 5, और जो 5 वाले हैं उनके लिए भी वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं। ठीक तो है। हमारे जो प्रॉपर रनर हैं या जो हमने बताया वो वॉलंटियर कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं, हम खुद वॉलंटियर कैपेसिटी में काम कर रहे होते हैं ताकि जो लोग आए तो उनको ऐसा इन्वायरमेंट, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिले कि उनके लिए आसानी हो। okay. आपको पता है F9 पार्क बहुत बड़ा है, आप किसी तरफ भी जा सकते हैं, ऐसे ही बट आपने उनको एक सर्टन डायरेक्शन में भेजना है ताकि वो गाइडेंस के साथ, तो वो फिर जब तक तमाम रनर्स वापस नहीं आ जाते हमारे वॉलंटियर्स इसको चेक ज़रूर करते हैं कि वो वापस सेफली आ रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। देखिए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है, किसी को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं उसको रनिंग के लिए कर रहे हैं तो किसी नए बंदे के लिए शुरू में मुश्किल हो सकती है। तो आखिर में बस यही है कि जी वी वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया।